हेलो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे रिपोर्ट का फॉर्मेट को कैसे बनाना है। तो देखिए, अब रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है यहाँ पर दर्शाया गया है। तो A4 साइज़ के पेज में इसको लिखा जाता है, आपके पास पेज रहता ही है। और जनरली हमारी जो कॉपी हमें प्राप्त होती है उसमें हमें A4 साइज़ ही मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले फ्रॉम सेंडर्स नेम एंड डेजिग्नेशन ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल मतलब भेजने वाले का नाम और उसका पद, वो ये ऑप्शनल रहता है। लेकिन अगर अगर आप लीगलाइज आप सही में रिपोर्ट भेजेंगे तो फिर ये लिखा जाता है। इसके बाद आएगा टू रिसीवर्स नेम एंड डेजिग्नेशन, पाने वाले का नाम और उसका पद। जैसे मान लो हम भेज रहे हैं दैनिक भास्कर के लिए, तो हमें यहाँ लगेंगे टू द एडिटर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर, या कोई भी पेपर का नाम हो सकता है। इसके बाद आएगी डेट। डेट को लेके कई लोगों में भ्रांतियाँ होती हैं, कहाँ डेट, लेकिन तो ये प्रॉपर पैटर्न दिया है बुक में ही। इसके बाद फिर हम लिखेंगे सबटाइटल मींस हेडिंग, इट शुड बी स्पेसिक एंड कैची। ये विशेष रूप से दर्शाई जाना चाहिए और थोड़ा आकर्षक, मतलब हम कह सकते हैं कि टॉपिक या सब्जेक्ट इसका हम कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट में जो विषय मेंशन रहता है क्वेश्चन के अंदर, जो भी पूछा जाता है जब। इसके बाद फिर इसकी बॉडी बनाएंगे। तो बॉडी में क्या है, ओपनिंग पैराग्राफ, पैराग्राफ के रूप में ओपनिंग करेंगे इसकी। पैराग्राफ के प्रारूप में लिखना है इसको। टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, विषय का परिचय करने के लिए सपोर्टिंग डिटेल्स और जुड़े हुए इसके डिटेल आएंगे इसमें। इसके बाद आएगा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में एक्शन टेकन क्या, उस पर क्रिया की जाना चाहिए, रिक्वायर्ड क्या आवश्यक है, और रिकमेंडेशन यदि कोई उस प्रतिक्रिया के लिए कोई आवश्यक चीज़ तो बताई जाएगी। इन एनालिटिकल रिपोर्ट, जब कोई विवेचनात्मक या आलोचनात्मक तो नहीं कह सकते हैं, विवेचना करेंगे, एनालाइज करेंगे, तब उसमें लिखा जाता है ये। इसके बाद प्रेडिक्शंस, ये भी एनालिटिकल रिपोर्ट में आते हैं। और वाइंडिंग अप, हम बिल्डिंग अप भी कह सकते हैं रिपोर्ट विद ए समरी। जब इसका समापन करेंगे तो समापन के सेंटेंस लिखे जाएंगे। इसके बाद सिग्नेचर कंपलसरी नहीं होता है यदि आप सचमुच की रिपोर्ट लिखेंगे पेपर के लिए, तो फिर ये लिखा जाता है। और इसके बाद आएगा नाम और फिर ये डेजिग्नेशन हम लिखेंगे। तो जनरली ये तो रिपोर्ट का हो गया पैटर्न। तो रिपोर्ट जो कॉमनली ICSE, CBSE बोर्ड्स और NCERT में आती हैं, वो है हमारी NSS कैंप 7 डेज का, जिसमें डिस्क्रिप्शन रहता है, पोलिंग बूथ यानी मतदान केंद्र, इसके पॉइंट्स क्वेश्चन पेपर में मेंशन किए जाते हैं, उन पॉइंट्स के आधार पर आपको पैराग्राफ लिखना है। जनरली देखा जाता है कि बच्चे पॉइंट्स में रिपोर्ट को बना कर जाते हैं, या जो रिपोर्ट्स में क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दिए हैं उन्हीं पॉइंट्स को अलग अलग वो डिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये तरीका प्रॉपर नहीं है। तो ये तरीका जो है ये रिपोर्ट का, ये है कि आप पैराग्राफ में लिखें उसको। ऐसा नहीं है कि अलग अलग क्वेश्चन के पॉइंट को आपने डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और मैटर भी थोड़ा सा अलग हो जाता है और सारी चीज़ें एक साथ जुड़ नहीं पाती हैं। तो इस कैटेगरी में हम लिखेंगे। पोलिंग बूथ के बाद इलीगल इमिग्रेशन यानी अनाधिकृत अप्रवासी जो कि हमारे देश में कहीं ना कहीं से आकर रहने लगते हैं, या गवर्नमेंट के द्वारा परमिट नहीं होता है उन पर। और इसके बाद अगली है रीडिंग हैबिट, इसके भी कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। पॉइंट्स हालांकि सारी रिपोर्ट्स के दिए जाते हैं, और
बच्चे लिखते हैं अपने पॉइंट्स के अनुसार पैराग्राफ बनाकर। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कई बार क्वेश्चन पेपर में देखी गई है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फेमस टॉपिक है प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन बैग्स के बारे में, और रोड एक्सीडेंट के बारे में, ट्रेन एक्सीडेंट, और इसके बाद कभी कभी ऐसी रिपोर्ट भी आती है, मान लो फ्रेंड के ऊपर आ गए, माय बेस्ट फ्रेंड, तो इनके भी कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं, उनके अनुसार बच्चे लिखते हैं। तो ये कुछ रिपोर्ट के पॉइंट्स हैं, इनसे ही रिलेटेड 13 इसके टाइप होते हैं। तो आप इनको बनाएंगे और बना बना कर प्रैक्टिस करेंगे। जनरली पेपर के लिए दी जाती है ताकि पेपर में प्रिंट हो सके। एज ए रिपोर्टर आप एक रिपोर्ट को भेजते हैं और रिपोर्ट जनरली सबको बनाना आना चाहिए, इसलिए ये रिपोर्ट का पैटर्न और प्रारूप बच्चों को समझाया जाता है। एग्ज़ाम में तो खैर वो लिखते ही हैं, हमें रिपोर्ट बनाना आना चाहिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।